देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। रात के लगभग 11 बज रहे थे जब मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। मैं अपने बर्थ पर आराम से सो ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। तभी मैंने धीमे से अपनी आंखें खोली तो मुझे कोई भी वहां पर दिखा नहीं। दरअसल मैं अपने गांव से नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली के अंदर मेरा थोड़ा बिजनेस चलता था। मेरे यहाँ से दिल्ली की दूरी लगभग 200 किलोमीटर की थी, जो कम नहीं थी। ऐसे में मैं अक्सर ट्रेन में ही सफ़र तय करता था। लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि आज के दिन मेरे साथ एक ऐसा हादसा होने वाला है जिसके बाद मैं दिल्ली जैसे शहर में सफ़र करने के लिए एक ट्रेन का सहारा कभी नहीं लूँगा। जब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधे पर अपना हाथ रख रहा है तो मैं उठकर इधर उधर देखने लगा, मगर मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, और यही सोचकर मैं वापस अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गया। लेकिन अब मुझे मेरे शरीर के अंदर एक अलग सी बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर जब मैंने अपनी नज़रें ट्रेन के बाहर डाली तो मैंने देखा कि एक ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी हुई थी, जहाँ चारों तरफ घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था। वह स्टेशन एक छोटा सा प्लेटफार्म था, तो मुझे यह स्टेशन सिर्फ एक छोटा सा स्टेशन ही लग रहा था। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मैंने पाया कि अंधेरा काफ़ी दूर में फैला हुआ था और चारों तरफ उसी स्टेशन का राज था। घनघोर सन्नाटे के बीच फंसा हुआ वह स्टेशन मानो एक खामोशी में डूब चुका था। लेकिन मैं इन सब बातों को अनसुना करते हुए स्टेशन पर उतर गया। फिर अभी एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें बताया गया कि ट्रेन को लगभग एक घंटे के लिए रोका गया है। पहले क्या वक्त बहुत ज़्यादा बचा था, जो कि अभी ट्रेन भी एक घंटे की देरी से चलेगी। मैं अपने आप में ही बोलते हुए उस स्टेशन पर घूमने लगा। अभी मैं उस स्टेशन पर घूम ही रहा था कि अचानक से मुझे किसी आदमी के जोर जोर से आवाज़ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ जैसे वह बहुत गुस्से में थे। तब मैंने उस आवाज़ को फॉलो किया तो मैंने देखा कि स्टेशन के पास एक पीपल का पेड़ बना हुआ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे से वह आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। बाद में मुझे लगा कि शायद यह आवाज़ किसी और दिशा की तरफ से आ रही है, और ठंड की वजह से सीधे मेरे कानों में आकर पड़ गई। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि एक आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मेरी तरफ आया और फिर मेरे पास से निकल गया। लेकिन उसका कंधा मेरे कंधे से टकरा गया, जिस वजह से मैं तो एकदम से पीछे ही घूम गया। मैं उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ भाई साहब, दिखता नहीं है क्या तुम्हें? अंधे हो क्या? मेरे इस बात पर उस आदमी का कोई भी जवाब नहीं आया। वह सीधा एक रॉकेट की तरह उस ट्रेन की ओर चल पड़ा। लेकिन जब मैंने उसे ज़्यादा ही सुना दिया तो वह एकदम से पीछे मुड़ा और सीधा मेरे पास आया। मुझे तो लगा था कि यह आज मुझसे झगड़ा करने वाला है, मगर उल्टा उसने मेरे आगे हाथ जोड़े और फिर वहाँ से निकल गया। लेकिन जब वह वापस ट्रेन की तरफ पलटा तो उसने मुझे एक अलग से मुस्कुराहट दी। उसकी मुस्कुराहट एक शैतानी मुस्कुराहट के रूप में एकदम से तब्दील हो गई। फिर मैं ऐसे ही घूमते फिरते उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया तो मैंने देखा कि वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अचानक से मेरा ध्यान मेरे कंधे पर गया तो मेरी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। मानो मेरा पूरा शरीर एकदम से सुन्न सा पड़ गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे कंधे पर खून लगा हुआ था। फिर मुझे याद आया कि वह आदमी जो कि मुझे कुछ देर पहले उस ट्रेन के एकदम करीब मिला था, वो मेरे इस कंधे से टकराया था। फिर मैं वहाँ से जल्दी से दौड़ता हुआ गया, और पहले तो मैंने अपना शर्ट को चेंज किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद पुलिस का शक मुझ पर ही जाएगा, क्योंकि खून तो मेरे कंधे पर लगा हुआ था। फिर मैं जल्दी से स्टेशन मास्टर के पास गया और फिर उसे उस डेड बॉडी के बारे में बताया। वह भी जल्दी से दौड़ता हुआ मेरे पीछे पीछे आया, और फिर हम दोनों आपस में बातें करते हुए काफ़ी डरे हुए उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। फिर जब हम लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर कोई डेड बॉडी नहीं थी। यह देखकर मेरा तो चेहरा पूरा का पूरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले मैंने यहाँ पर एक जवान लड़की की डेड बॉडी देखी थी। सच में उस वक्त मैं पूरा अंदर से हिल चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है? यही बात मैंने उस स्टेशन मास्टर से कही तो उसने मुझे उल्टा जवाब देते हुए कहा, तुम लोगों का ऐसा ही है,
किसी भी आदमी को बेवकूफ़ बना देते हो। शायद उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि मैं उसे बिना मतलब वहाँ पर लेकर आया था। वह तो तुरंत वहाँ से निकल गया, मगर अभी भी मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा था कि आखिर इतनी जल्दी वह डेड बॉडी कहाँ गई। कुछ देर पहले तो वहाँ पर मुझे नज़र आई थी और अब उसका वहाँ पर कोई नामो निशान तक नहीं था। मैं इतना सोचने के बाद जब पीछे पलटा तो मेरी सांसें एकदम से ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल मैंने देखा कि पेड़ के ऊपर उस लड़की की लाश लटकी हुई थी। अब मैं उस जगह से निकलते हुए स्टेशन मास्टर के पास आने ही वाला था कि अचानक से मैंने देखा कि उस लड़की ने अपनी आंखें एकदम से खोल लीं। उस डेड बॉडी को इस तरह से आंखें खोलता हुआ देखकर मेरा पूरा शरीर जम सा गया। मैं तुरंत ही वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर अब जम चुके थे। मैं पूरी ताकत लगाकर भी भाग पाने में सक्षम नहीं था। तभी मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब मेरी नजर धीरे धीरे उस पर पड़ी तो मैं तो उस डर के अंदर और भी ज्यादा डूब गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि जो आदमी कुछ देर पहले मुझसे टकराया था अब उसका पूरा चेहरा ऊपर से फटा हुआ था और वो लगातार अपने भयानक चेहरे से मेरी तरफ देख रहा था। मैं उसे देखकर एकदम से कांप गया, मगर मैंने वहां से निकलना ठीक समझा। लेकिन मेरे पैर एकदम से जम चुके थे, मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा कि उस आदमी का पूरा चेहरा और पूरा शरीर एक बार फिर बदलने लगा और अब उसका पूरा चेहरा और पूरा शरीर भेड़िए के रूप में तब्दील हो गया। उसका आधा शरीर एक भेड़िए के रूप में नजर आ रहा था तो वह उसका आधा रूप एक इंसान के रूप में। जब मुझे और कोई भी चारा नहीं दिखा तो मैं बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज़ स्टेशन मास्टर के कानों में पड़ गई। स्टेशन मास्टर मुझसे लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही खड़ा था। वह जल्दी से भागता हुआ मेरे करीब आया और फिर मैंने उसे पूरी बात बताई। लेकिन मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे वहाँ पर ना ही तो उस लड़की की लाश दिखी और ना ही वह भेड़िया। अचानक से वो एक बार फिर गायब हो गए। मैं उस स्टेशन मास्टर के साथ साथ ट्रेन की तरफ चल पड़ा। वह मुझे लेकर ट्रेन की मेरी बोगी में पहुँच गया, जहाँ पर मुझे अकेलापन महसूस हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि रात के इस लंबे सफ़र में मेरे अलावा ट्रेन में कोई भी मौजूद नहीं है। तभी मैंने देखा कि एक आदमी दौड़ता हुआ ट्रेन के पास से गुजर गया, लेकिन जब मैंने अपनी नज़र वहाँ पर डाली तो मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। मैं चुपचाप अपने हाथों को कसके पकड़कर उसी सीट पर आराम से बैठ गया, लेकिन आज की रात मेरे लिए कितनी डरावनी होने वाली थी मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था। अभी मैं बैठा ही था कि मेरी आंख लगने लगी। दरअसल अब मुझे नींद भी सता रही थी, ऐसे में मेरा सोना ही ठीक था। फिर मैं अपनी बर्थ पर आराम से सोने लगा, मगर तभी मुझे ऐसा लगा कि अब मैं एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया हूं जहां पर सिर्फ मुझे अंधेरी रात ही नज़र आ रही थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक ऐसी जगह पर गिरा हुआ था जहाँ पर चारों तरफ मुझे जंगल और झाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। अचानक वहाँ पर धीमे धीमे किसी के खिसकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरा डर तो लगातार अब बढ़ता ही जा रहा था। एक बात जो अभी भी मेरे दिल के अंदर बैठती जा रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से अचानक इस जगह पर पहुँच गया मैं। यह बात तो लगातार मैं सोच रहा था कि अचानक से मैंने देखा कि वही लड़की जिसकी लाश मैंने कुछ देर पहले उस पेड़ पर टंगी हुई देखी थी वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी और उसका पूरा शरीर अब एकदम सामान्य लग रहा था। ये सब देखकर तो मैं हैरान हो गया। फिर जो दृश्य मेरे सामने था उसे देखकर तो मानो मेरा दिल दहल उठा। दरअसल इस बार मैंने देखा कि उसके पीछे वही आदमी खड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। इस बार वह आदमी बहुत ही भयानक और खोखार लग रहा था। वो बिल्कुल एक भेड़िए के रूप में तब्दील हो चुका था। तभी अचानक से उसने उस लड़की के ऊपर झपट्टा मार दिया। वो लड़की जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी मैंने देखा कि अब उस लड़की की दशा बहुत ही खराब हो चुकी है। मैंने देखा कि उस आदमी ने उस लड़की का पूरा शरीर फाड़ दिया है और उसके अंदर से खून निकलने की बजाय वह लड़की अचानक से एक भेड़िए के रूप में तब्दील होने लगी। सच में ये देखकर तो मैं तो हैरान रह गया। अचानक से वह आदमी जो कि मुझे एक भेड़िया के रूप में दिखाई दे रहा था वह अचानक ही
वो मेरे ऊपर झपट पड़ा, जिस वजह से मैं एकदम से चिल्लाने लगा और फिर अचानक से ही मेरी आँख खुल गई। दरअसल मैंने देखा कि मैं ट्रेन की बोगी के अंदर आराम से सो रहा था, यानी कि यह मेरा एक बहुत ही बुरा सपना था जो कि अब टूट चुका था। मगर जब मैंने सामने देखा तो सपने की हकीकत बिल्कुल मेरे सामने दिखाई देने लगी, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे सामने वही लड़की एक बार फिर मुझे खड़ी हुई नज़र आ रही थी। वह लड़की हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ चुकी थी। अब उसका पूरा शरीर उसी भेड़िया मानव की तरह एकदम से बदलने लगा और अब उसका पूरा शरीर बदलकर काले बालों से एकदम लथपथ हो चुका था। मैंने उसी लड़की के पीछे उसी आदमी को खड़ा हुआ देखा। दोनों आपस में मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अब मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं तो उन्हें देखकर अपने एक एक कदम को पीछे की तरफ हटाने लगा, मगर मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा और उठने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब मुझे ये बात बिल्कुल तय नज़र आ रही थी कि अगर मैं इस ट्रेन से नहीं निकला तो फिर यह दोनों मुझे अपना शिकार बनाकर मुझे भी ख़त्म कर देंगे। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि मैं किसी भी तरह बस इस ट्रेन से नीचे कूद जाऊँ। फिर मैंने वही किया और मैं ट्रेन से नीचे कूदने लगा, मगर तभी मुझे किसी के पैरों के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब मैं पीछे एक बार फिर पलटा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ टीटी खड़ा हुआ था। उसने मुझे ट्रेन से कूदने से मना किया, लेकिन तभी मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो मानो मेरा पूरा शरीर एकदम से कांपने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि उस आदमी के पैर पूरे तरीके से उल्टे थे। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और फिर ट्रेन से नीचे कूद गया। गिरने की वजह से मुझे मेरे शरीर में जख्म होने का आभास हुआ, तभी मैं बेहोश हो गया और फिर जब मेरी आँखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक अस्पताल में पड़ा हुआ था। फिर मुझे पता चला कि वहीं के कुछ यात्री मुझे यहाँ के पास वाले अस्पताल में लेकर आए, जिस वजह से आज मेरी जान बच गई। फिर मैंने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में वहीं पर मौजूद एक बूढ़े बाबा को बताया तो मुझे पता चला कि वह दोनों भेड़िया मानव हैं जो कि अगर किसी इंसान को सूंघ लेते हैं तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते। उन्होंने बताया कि अभी भी उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, वह कभी भी मेरी मौत तय करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों उस दिन के बाद मैं संभल कर रहता हूँ। उस दिन पता नहीं मैं किन किन भयानक हादसों से गुजरा, मगर मेरी जान बच गई। लेकिन आज भी कोई भरोसा नहीं है कि कब मैं उनका शिकार बन जाऊँ, लेकिन अब तक तो सब कुछ सामान्य चल रहा है, आगे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।